नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। बाढ़ की मार झेल रहे पटना के राजेंद्र नगर इलाके में पेट्रोल पंप में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसके बाद पेट्रोल पंप से आग की ऊंची लपटें उठने लगी और वहां लोगों में भगदड़ मच गई। पटना के राजेंद्र नगर इलाके के दिनकर गोलंबर के पास आज एक पेट्रोल पंप में आग लग गई और तीन धमाका हुआ है। पेट्रोल पंप में आग लगने के बाद हुए धमाकों से वहां तेल फैल गया। अभी आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं, जो तमाम फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं, बिहार पुलिस के जवान हैं, वो यहां पर पहुंचे हैं। आग की वजह से वहां इलाके में दहशत फैल गई और आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए। इतना भयंकर आग था कि हम लोग सब मोहल्ला घर खाली करके रोड पर पत्नी बच्चा सबको निकाल लिए। हालांकि वक्त रहते आग पर काबू कर लिया गया, लेकिन इस लापरवाही से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आग बुझा ली गई है, लेकिन आसपास के लोगों का सीधे तौर पर यह आरोप है कि प्रशासन को पिछले तीन दिनों से लगातार यह जानकारी दी जा रही थी कि पेट्रोल पंप से तेल का रिसाव हो रहा है, पेट्रोल का रिसाव हो रहा है, लेकिन किसी ने नहीं सुना। और अब लोगों की मांग है कि जब तक पेट्रोल पंप पर हुए इस हादसे की वजह पता नहीं चल जाती, तब तक पेट्रोल पंप शुरू ना किया जाए। पटना में आई भीषण बाढ़ ने लाखों लोगों को झकझोर कर रख दिया, लेकिन बाढ़ के बाद अब जो हालात हैं वो और भी खतरनाक हैं। खाने पीने का जरूरी सामान अचानक तय कीमत से 10 गुना तक महंगा हो गया। एक लीटर पानी के लिए लोगों को एक लीटर पेट्रोल जितनी कीमत चुकानी पड़ रही। लेकिन प्रशासन का कहना है कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं। उस पर भरोसा करें तो सभी इलाकों में नाव चल रही हैं, खाने के पैकेट दिए जा रहे हैं, पानी के टैंकर लगातार घूम रहे हैं और लोगों को भी राहत शिविरों में लाया जा रहा है। ये सभी दावे किए तो जा रहे हैं, पर ऐसी कोई मदद दिख नहीं रही। हकीकत तो यह है कि पूरे पटना में लाखों लोगों की मदद के लिए NDRF की केवल 36 नाव ही लगी हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यह पटना अंचल का JCB है, नगर निगम का, जिसे एक तरफ से दूसरी तरफ लोगों को ले जाया जा रहा है। तो इसी तरह से एक तरफ नाव चल रहा है, दूसरी तरफ ट्रैक्टर, तो JCB यही सहारा है यहाँ के लोगों के लिए। राहत और बचाव का काम इतना सुस्त है कि चार दिन से लोग भूखे प्यासे हैं। दूध की कीमतों में तो जैसे आग लगी है। सारा दुकान बंद है, राशन भी मिल रहा है। समस्या तो बहुत खराब हो गया है, घर से निकलना मुश्किल हो गया है, कोई सामान मिल रहा है तो दोगुना भाव पर मिल रहा है। यहाँ पे कोई प्रशासन देखने वाला नहीं है। नगर निगम करोड़ों का ले लेता है कि करोड़ों खर्च कर दिए, लेकिन करोड़ों के नाम पे फंडा मिल रहा है, 80 रुपए लीटर दूध मिल रहा है, पीने के लिए पानी नहीं है, लाइट नहीं है, आदमी रहेगा कैसे। बाढ़ की वजह से पटना में हाहाकार मचा है। खबरें हैं कि लोगों के पास सामान खरीदने के लिए भी पैसे नहीं बचे, सैकड़ों ATM में भी पानी भरने की जानकारी, जिसकी वजह से लोग पैसे भी नहीं निकाल पा रहे हैं। ऐसे में लोगों के लिए खाने पीने का सामान जुटाना मुश्किल हो रहा है। ऊपर से प्रशासन की अनदेखी की भी खबरें हैं, जिसका फायदा उठाने में भी कई लोग पीछे नहीं हैं। प्रशासन मदद नहीं पहुंचा पा रहा, इस वजह से लोग खुद खाने पीने का सामान और दूसरी मदद जुटाने में लगे हैं। 20 लीटर का ये छोटा सा जार है और इस जार को ये 3 किलोमीटर की दूरी से लेकर आ रहा है। कितना ज्यादा दर्द इनके अंदर होगा और गुस्सा भी स्वाभाविक सी बात है। दावा है कि पटना में पानी की 1 लीटर वाली बोतल 60 से 70 रुपए में बेची जा रही है, जिसकी तय कीमत 18 से 20 रुपए है। इस मनमानी के बावजूद लोग मजबूर हैं। मजबूर इसलिए भी हैं क्योंकि नगर निगम उन तक मदद पहुंचाने में नाकाम है। ये पानी लाया गया है नगर निगम के तरफ से और इसमें देखिए बोरा का टुकड़ा नजर आ रहा होगा, ये देखिए, और इस बोरे में जंग ऐसा भी लगा हुआ है और इसी टैंकर से पानी लाकर लोगों को मुहैया कराने की बात की जा रही है। बाढ़ पीड़ितों की मजबूरी का फायदा इस हद तक उठाया जा रहा है कि वो 2 किलोमीटर रिक्शे में चलने के लिए 200 रुपए तक दे रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? ये अशोक नगर रामदेव मंदिर के पास। अच्छा, कितना भाड़ा लग रहा है रिक्शा से? 200 रुपए। मतलब कितना दूरी है आपके घर से अशोक नगर? अराउंड 1.7 किलोमीटर। 2 किलोमीटर का 200 रुपया। पटना पर बाढ़ की ऐसी मार पड़ी है कि वहाँ कैश की कमी भी लगातार बढ़ रही है। इस विकट स्थिति में अगर किसी को पैसे निकालने हो, ATM में आता है, लेकिन ATM काम नहीं कर रहा है। और ये सिर्फ आपके बैंक का नहीं, लोगों के सभी सारे सारे बैंक का स्थिति है, सारे सारे। वहीं बाढ़ और बारिश की वजह से पटना में सब्जियों के दाम भी आसमान पर पहुंच गए हैं। पिछले कुछ दिनों के मुकाबले लोगों को अब सब्जियों के लिए कई गुना दाम चुकाने पड़ रहे हैं, क्योंकि पटना में बारिश रुकने की वजह से बाढ़ का पानी तो घटने लगा, लेकिन सब्जियों के दाम आसमान पर पहुंच गए। शहर की सबसे बड़ी अंटा घाट सब्जी मंडी में भी सब्जियों के दाम 4 गुना तक बढ़ गए। हम अभी मौजूद हैं पटना के अंटा घाट सब्जी मंडी में। कद्दू पहले यहां पर
₹10 केजी मिलता था, जो अभी ₹40 किलो मिल रहा है। जो बैगन पहले ₹20 किलो मिलता था, वो ₹80 किलो मिल रहा है। पटना में सब्जियों के दाम में हुई ये बढ़ोतरी लोगों की जेब पर भारी पड़ने लगी है। पिताजी का असरात का काम है, सब्जी किन्ने आए हैं, बहुत महंगा सब्जी मिल रहा है। जो लोग सब्जियां खरीदने मंडी पहुंचे, उन्हें भी बढ़ी कीमतों की वजह से समझौता करना पड़ा। सब्जी जहां ₹20 किलो मिलता था, वहां ₹60, ₹40, ₹50 मिल रहा है। कमाएगा ₹100, कहाँ से लाएगा सब्जी उतना महंगा खरीदेगा।